सब्सक्राइब करें अपने फिल्म के चैनल गणपति क्लासेस को। आत्मकथ्य क्या है दोस्तों? आत्मकथ्य इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब आत्मकथ्य का अर्थ है आत्मकथा, आत्मकथा। अब आत्मकथा किसने लिखी है? ये लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन है कहानी अपनी। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कहानी है, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को सुनाऊं। मेरा जीवन तो दुख से भरा हुआ है, मेरा जीवन तो ऐसा है और मेरे जीवन की पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। इस गंभीर अंजलिमा में असंख्य लोग जैल भी करते हैं। इस नीले आसमान में के नीचे अनेक लोगों ने अपनी आत्मकथा को लिखा है, परंतु उनकी आत्मकथा परंतु लोगों ने उनका मजाक भी बनाया है, ठीक है। अर्थात मैं अपना दुख बतलाऊंगा तो बताऊंगा तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। ऐसा कई लोग साथ हुआ है, लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी था, उनकी आत्मकथा का मजाक बनाया गया है, तब भी कहते हो गया। उसके बाद तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, सुनकर क्या सुख पाओगे, मेरा जीवन तो खाली घड़े के समान है, ठीक है। किंतु कहीं ऐसा ही ना हो, परंतु क्या ऐसा नहीं, तुम ऐसा नहीं है कि तुम अपने स्वयं, किंतु ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही खाली करने वाला समझो। तुम मेरा रस लेकर अपनी खाली गड़े को भरने वाले हो। जब मैं आत्मकथा को लिखूंगा तो ये मेरे लिए कठिनाई होगी, क्योंकि मैं अपने मुझे मेरे जीवन में जिनसे धोखा खाया है, हंसी उड़वाई है, मैंने जो भूल की है वो लिखनी पड़ेगी। अब मैं अपनी उजड़ गाथा कैसे गाऊं, मैंने मधुर जात में मैं उजड़ गाथा दूसरे को कैसे सुनाऊं, ठीक है। और जो मैंने सुख का संपन्न देखा था वो माधुर्य से भरा हुआ था, तो मैं उसके प्रति आकर्षित था, लालायित हूँ, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख थे, मेरे जीवन में सुख भी थे। मेरे जीवन में सुख दुख अभावों और कठिनाइयों में मुझसे प्रेम करने वाला भी था, ठीक है। मेरे जीवन में सुख ही सुख प्रिया की वजह से था, उसके लाल गालों की वजह से था, उसके आने से मेरा जीवन खुशहाली से भर गया था, सुख से भर गया था। और मैं मुझे सब कुछ सुंदर था, प्यारा वातावरण दिखाई देता था, ठीक है। जिस प्रकार राहगीर थकता है तो वह पेड़ के नीचे आराम करता है, खाना खाता है और अपनी यात्रा को पुनः आरंभ करता है, उसी प्रकार मैं अपने जीवन को मेरी प्रेमिका की याद बिताए हुए पलों को साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। सीवन को उजेड़ कर देखोगे क्या, मतलब तुम लोग क्या देखने, मतलब क्या वो है, मेरी इस छोटी सी आत्मकथा को सुनकर तुम क्या मिल्क में क्या मिलेगा। यह मेरी छोटी सी जीवन आत्मकथा है, मैं इसे बड़ी कैसे बताऊँ। यह अच्छा नहीं है कि और भी सुनता रहूँ, मैं खुद चुप रहूँ। तुम सुनकर क्या भला होगा, यह मेरी भोली सी आत्मकथा है, तुम्हें सुनकर क्या भला होगा। अभी क्योंकि सभी समय अभी नहीं आया है, क्योंकि मेरी आत्मकथा सोई हुई है और सोई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।